तुम बात कर लो, चलो बताओ। मेरे से राइट क्वेश्चन पूछना तो आप बात करो, बंदा बात खत्म करो। राइट? हाँ बिल्कुल, यू राइट। राइट का मतलब? राइट का मतलब बहुत कुछ हो गया, बिल्कुल सही क्वेश्चन। भाई मैं कोई यार आपका कोई वो नहीं हूँ जो मैं आपको बायोडेटा अपना सब लिख के दूंगा। तो पूछ ही नहीं रहा भाई बायोडेटा। वो कह रहा है फुटपाथ पे उठा घर मकान दिलाता है सलमान खान। फुटपाथ पे तो गाड़ी चढ़ा देते हैं वो। वो पता है, वो बताएगा भाई। आप भी तो बता दो, बताने वाले हैं। सलमान खान कैसे लगते हैं? भाई मैं खुद सलमान खान हूँ यार। क्या उसका उनका गुटके का ऐड देख के गुटका खा रहे हो क्या? यार तुम एक बार मेरी बात सुनो। एक बार बताओ, कोई व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा मेरी बात तो सुनो। अच्छा आपको लोग फॉलो करेंगे, आप क्या करोगे? आप लोगों को सिखाओगे? बिल्कुल। तो वो गुटका बेच रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, गलत बंदा किसी को धमकी देगा तो भाई कोई भी डरेगा ना। अच्छा लॉरेंस बिश्नोई गलत है ये पता है तुम्हें, पर सलमान खान गलत नहीं है ये भी पता है। इसकी मौसी का लौंडा है सलमान खान, इसकी मौसी का लड़का है सलमान खान। तो गलत आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। अच्छा तेरे घर में राशन डलवा के जा रहा होगा। जाता है तो करियर खत्म किया कभी किसी का? सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए। इनका खुद का करियर नहीं है भैया, इनका खुद का करियर नहीं है। पहले वो करियर खराब कर रहा था, अब उसका करियर खराब होने पे आ गया है, डगमग आ गया अब मामला। मतलब कि राइट बंदा होगा तो राइट बोलूंगा, ऐसे कर राइट नहीं बोलूंगा। भी तो रॉन्ग को रॉन्ग बता रहे हैं। वो बंदे ने माना कि मैं, जब तुम रॉन्ग बंदे को राइट बता सकते हो तो हम रॉन्ग को रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है उसने, मैंने माना कि उसने कुछ गलतियां करी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कुछ गलतियां करे। वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो जाए? क्या नाम हुआ भैया? हर्ष। हर्ष भाई सलमान खान कैसे लगते हैं तुम्हें? है भाई सलमान खान कैसे लगते हैं? सही है भाई, अपनी जगह सब सही है अपनी जगह। धमकियां तो मिल रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहे हैं। वो तो हमें पता नहीं क्यों धमकी दे रहे हैं, क्या बात है क्या नहीं। को जानते हो? जानता हूँ, क्यों नहीं जानते। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? बदमाश है, टोपर बदमाश है। सलमान खान तो डर गए हैं उनसे। डर गए हैं भाई? कहाँ डर गए सलमान खान, कहाँ डरे हैं? डर के कांप रहे हैं, थर पे नहीं रहे, थर पे वो जीप में घूम रहे हैं। जीप 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगा ली डर के? डर के नहीं मंगाई है, सिक्योरिटी फोर्स है। नहीं सैफ अली खान, सलमान खान। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र एडवोकेट। सुरेंद्र एडवोकेट। अच्छा सुरेंद्र एडवोकेट। हाँ सलमान खान डर से कांप रहे हैं? नहीं डर से कांप रहे हैं, उसके तीन दौलत है, पैसा है, शौहरत है। सही काम किया है क्या उन्होंने? सही काम तो नहीं किया, ये बात कह रहा हूँ। एक काम से वो डिबीट खा गए हैं। क्या काम से? कि वो मोर शोर को छोड़ को मारा था, ब्लैक बक को मारा था, काले हिरण को मारा, लोगों पर गाड़ियां भी चढ़ा दी, गाड़ियों पर चढ़ा दी थी। तो उसमें सही काम किया था क्या? नहीं किया था। मैं क्यों कहूँ? तो ये कह रहे सलमान खान ने नहीं किया था। अब तो एक सलमान, उसको हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दौलत शौहरत सब भर दी। वो घूम रहा है इससे जिम में और उसकी जमानत हो गई, सब हो गई। सब ऑरेंज बिश्नोई ने तो धमकी दे दी कि हमारे समाज से माफी मांगो वरना खात्मा कर देंगे। इतनी धमकी उसको जाने कितनी मिली है, कुछ नहीं होगा उसको। उनके करीबी की तो हत्या कर दी, बाबा सिद्दीकी की। हाँ बाबा कांड में कितने लोग लगे हैं? कितने लोग लगे आप बताइए? फिर पूरा नहीं, पूरा बाबा देश लगा है। बाबा को बिश्नोई को वो किया है काम कांड है, एकाउंटर में पूरा देश लगा है। बाबा सिद्दीकी को मार दिया लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों ने। अरे गुंडों ने कोई नहीं मारा है आजकल। बाबा जो आया वो बाबा बन गया, जो आया उनने दाढ़ी रखा ली। तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही है? क्या नाम हुआ सर आपका? नफीस। नफीस, नफीस जी कैसे देख रहे हैं सलमान खान डर गए हैं? कैसे डर गए? लॉरेंस बिश्नोई की धमकी से डर गए। अच्छा लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? नहीं हमें नहीं जानते। सलमान खान को तो जानते हो? हाँ उसको सब जानते हैं। कैसे लगते हैं सलमान खान? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगते हैं। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं। गाड़ियाँ चढ़ा दी थी लोगों पर और आप कह रहे हैं अच्छे व्यक्ति हैं? हाँ कुछ भी हो सकता है, इंसान से गलती है। काले हिरण को मार दिया, आप कह रहे हैं अच्छे व्यक्ति हैं? हिरण को हाँ, जिसको बिश्नोई समाज पूछता है। अच्छा सलमान खान का टाइम खराब आ रहा है। सही किया सलमान खान ने गरीबों पर गाड़ी चढ़ा के? नहीं वो तो गलत है। नाम क्या? उसके बाद चढ़ा के भग भी गए? हाँ गलत ही है वो तो गलत ही है। गलत ही है। नाम है उसका तुम भी, आपको अच्छे लगते हैं? नहीं हीरो है, जो अच्छा लगता है। आपने तो कहा व्यक्ति अच्छे हैं। क्या नाम हुआ भैया? यार मतलब ऐसे क्या हमारे माइक में बंदूक थोड़ी है कि गोली निकल जाएगी? हाँ बताओ नाम, बताओ माइक छोड़ के नाम बताओ। दानिश नाम है मेरा। दानिश पूरा नाम?
दानिश मलिक नाग बाद में घुस जाइयो दानिश भाई मलिक हाँ बोलो 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 दानिश मलिक हाँ दानिश मलिक एक बात बताओ सलमान खान को जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे लगते हैं? सही है बंदा। सही है बंदे? हाँ अच्छा है। अच्छे हैं? हाँ बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? नहीं तो है। लोगों पर गाड़ी चढ़ा के भग गए थे तो यार गलती किससे नहीं हो जाती? इसका क्या मतलब? आप पी के गाड़ी चढ़ाओ और भग जाओ, गलती नहीं है। चलो वो हो गई उस बंदे से गलती, तो इसका क्या मतलब? उसका लाइफ का मतलब हिस्सा ही गलत कर दो उसका। छोटे छोटे जो उनके छोटे से एक्टर्स होते हैं उनको परेशान करते हैं वो। अब मेरी आप बात सुनो, अगर को भी धमकियां दे दे, आप सही न्यूज बना रहे हो तो सही न्यूज बनाओ। यू राइट जवाब। देखो जब सवाल पूछ देंगे तो न्यूज तुम्हारे लिए खराब हो ही जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, मैं देखो बात वो नहीं है, बात किसी किसी के, मैं बंदे को मतलब कि राइट बंदा होगा तो राइट बोलूंगा, ऐसे कर राइट नहीं बोलूंगा। अभी तो रॉन्ग को रॉन्ग बता रहे हैं। वो बंदे ने माना कि मैं, जब तुम रॉन्ग बंदे को राइट बता सकते हो तो हम रॉन्ग को रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है उसने, मैंने माना कि उसने कुछ गलतियां करी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कुछ गलतियां करे, वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो जाए। अच्छा ऐसे तो गलतियां बहुतों ने करी है, तो वो भी तो गाड़ी चढ़ाई थी गरीबों। नहीं गाड़ी तो नहीं चलाई मेरी, मैं अपने छोटों से चोट लगी आपके है। छोटे आपसे जो छोटे लोग हों जो काम करते हो आपके साथ, क्या आपने उनको परेशान किया कभी? अच्छा करियर खत्म कर दिया कभी? चलो भाई चांस अगर मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो करियर खत्म किया कभी किसी का? सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए। इनका खुद का करियर नहीं है भैया, इनका खुद का करियर नहीं है। हाँ बताओ, इधर देखो माइक को, देखो भाई रही बात, देखो देखो मेरी तरफ से बस यही राइट को आपके लिए। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो? हाँ जानते हैं। धमकियां दे रहे हैं सलमान खान को, डर भी गए सलमान खान, डर गया, थर कांप रहे हैं। अब जब गलत बंदा किसी को धमकी देगा तो भाई कोई भी डरेगा ना। अच्छा लॉरेंस बिश्नोई गलत हैं ये पता है तुम्हें, पर सलमान खान गलत नहीं है ये भी पता है। सलमान खान तो इसकी मौसी का लौंडा है, सलमान खान इसकी मौसी का लड़का है। सलमान खान तो गलत आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है। अच्छा तेरे घर में राशन डलवा के जा रहा होगा है, इससे पूछो क्या भैया, इनसे पूछो यार की बात कर रहा है, खुद का करियर तो खराब है। हैं ये देखो दांतों में देखो। अच्छा उसका उनका गुटके का ऐड देख के गुटका खा रहे हो क्या? यार तुम एक बार मेरी बात सुनो, एक बार बताओ कोई व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा मेरी बात तो सुनो, अच्छा आपको लोग फॉलो करेंगे आप क्या करोगे, आप लोगों को सिखाओगे? बिल्कुल। तो वो गुटका बेच रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये इंडिया है, इसमें मतलब कि अगर कोई भी अगर फैसला या कोई भी अगर कुछ भी करता है तो ये सरकार के हक में आता है, तो मतलब कि सरकार क्या सलमान खान गुटके का ऐड करे इसमें सरकार क्या करे? यार क्या कहती है सरकार, है कि सरकार सबसे बड़ी है ना, जो भी करेगी सरकार करेगी ना। इंडिया की सरकार क्या चाहती है कि कोई भी गुंडागर्दी ना हो, तो ये लॉरेंस बिश्नोई ये वो, बॉलीवुड के सबसे बड़े गुंडे तो सलमान खान ही माने जाते हैं। लोगों को धमकियां दे देना, चांटा मार देना, नेपोटिज्म इन जैसे लोगों के कहने पे हो रहा है और क्या हो रहा है, ये जैसे पनाना दे तो फिर क्या होगा? अब तो उनके भी कुछ उनसे भी बड़े आदमी मिल गए हैं उनको टक्कर के, शेर पे सवा शेर भारी। पहले वो करियर खराब कर रहा था, अब उसका करियर खराब होने पे आ गया है, डगमगा गया, अब मामला डगमगा आ गया। हाँ बिल्कुल, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं भैया। देखो जिसके समाज के ऊपर बात आएगी, जातिवाद के ऊपर बात आएगी, उसे गलती मांगनी पड़ेगी। भाई उसने क्या कहा है, जाके मंदिर में माफी मांग ले, मेरा कोई मतलब ही नहीं तेरे से है, बात ही खत्म है यही। मांग क्यों नहीं रहे, छोटे हो जाएंगे क्या माफी मांगने से? अहंकार है अहंकार, रावण का नहीं रहा तो उसका क्या रहेगा? अहंकार तो रावण को भी ले डूबा था। ये तो है, जिसने समय पे काबू पा ली थी वो तो सलमान खान है। ये तो पब्लिक का बनाया हुआ है, वो है कि वो गैंगस्टर बना रखा है, वो जेल में है, ये बाहर है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और कोई फर्क नहीं है, सलमान खान का समय नजदीक आ गया मतलब। भैया नजदीक तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है, मतलब वो वाला समय नहीं, खत्म होने वाला समय, अकड़ खत्म होने वाला। वो तो देखो अकड़ तो उसकी ढीली हो गई है, जब उनने दूसरी गाड़ी मंगा ली तो उससे ज्यादा क्या होगा फिर? सही बात है, मतलब डर तो गए हैं सलमान का वो। अरे यार मैं आपको धमकी दे दूं और आपके पीछे लहू लगा दो, आपके पैंट में पेशाब निकलेगा नहीं निकलेगा? यार कैसी बात कर रहे हो, जब आपके सेट में 18 अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तभी मैं डरूंगा। डरोगे ना, ये चीज कह रहा हूँ मैं आपको, आपको ये नहीं अगर मैंने गलत किया होगा तो मैं माफी भी मांग लूंगा। तो भैया तो वही तो, अब वो नहीं अहंकार हुआ तो माफी नहीं मांग रहा। बताओ भैया क्या नाम? उन्होंने दारू पी रखी, उनसे बात कराओ। अच्छा ऐसे दारू पीने वालों से बात करने लग गए तो फिर मुझे लग रहा है मुझे आपको पिला के फिर बात करनी पड़ेगी। हाँ तो बात करो, तुम बात कर लो, चलो बताओ। मेरे से राइट क्वेश्चन पूछना तो आप बात करो, बंदा बात खत्म करो। हाँ बिल्कुल, यू राइट। राइट का मतलब? राइट का मतलब बहुत कुछ हो गया, बिल्कुल सही क्वेश्चन।
भाई मैं कोई यार आपका कोई वो नहीं हूँ जो मैं आपको बायो डेटा अपना सब लिख के दूँ। तो पूछ ही नहीं रहा भाई बायो डेटा, आधार कार्ड भाई मेरे से सही बात पूछनी है तो अच्छा पूछो तो, यहाँ पे और भी लोगों सबसे पूछो। हाँ सलमान खान ने गाड़ियाँ चढ़ा, मेरे को देखो सलमान खान ने मैंने की माना है कि उसने कुछ गलत करा, गलत करा 100 में से 50% चलो गलत करा, उसके अच्छे भी काम है। अगर आप उसके गलत काम गिना रहे हो तो कुछ उसके अच्छे भी काम है, अच्छा काम है। वो बंदा चैरिटी में बहुत सारा दान करता है, चैरिटी शुरू करी थी तेरे घर पे आया कुछ दान का, कब चैरिटी शुरू? मैं कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। दानिश, दानिश नाम बताया, चाय पत्ती आई, अरे दानिश नाम बताया था ना, दानिश भाई एक बात बताओ चैरिटी करना शुरू कब किया भाई? यार मेरे से यार भाई क्या भैया वो कह रहा है फुटपाथ पे उठा घर मकान दिलाता है सलमान खान, फुटपाथ पे तो गाड़ी चढ़ा देते हैं वो पता है, वो बताएगा भाई आप भी तो बता दो, बताने वाले सलमान खान कैसे लगते हैं? भाई मैं खुद सलमान खान हूँ यार। तुम भी सलमान खान? हाँ तभी करो लॉरेंस बिश्नोई से डर रहे हैं।